आपका अवचेतन मन या अचेतन मन ही सब कुछ है, इसके बारे में कुछ आज मैं आपसे बातचीत करता हूं। देखिए, हमें हरदम ये बोलते हैं हमें दो मन है, एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड। और जैसा बर्फ की एक चट्टान समुद्र में है तो उसका 10% हिस्सा ही पानी के ऊपर दिखता है और 90% हिस्सा जो है पानी के नीचे है। वैसे ही चेतन मन जो है वो है 10%, 10%, और अवचेतन मन जो है सबकॉन्शियस माइंड वो है 90%। अवचेतन मन के पास में, मतलब सबकॉन्शियस माइंड के पास में बहुत बड़ी ताकत है, असामान्य ताकत है। और अवचेतन मन जो है उसकी ताकत यदि हम पहचानते हैं, उसके ताकत का इस्तेमाल करते हैं, तो जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार संभव है। फिर हमें सवाल आता है दिमाग में कि एक व्यक्ति बहुत सुखी है और दूसरा व्यक्ति दुखी क्यों है, एक व्यक्ति बहुत सफल है और दूसरा व्यक्ति असफल क्यों है, एक व्यक्ति बड़े बंगले में गाड़ी में घूमते रहता है और दूसरा व्यक्ति झोपड़पट्टी में क्यों रहता है, एक व्यक्ति बहुत ही लोकप्रिय है, बहुत बड़े भाषण दे सकता है और बहुत ही क्रिएटिव है, और दूसरा व्यक्ति जो है बिल्कुल लोकप्रिय है नहीं, लोग पहचानते भी नहीं उसको, ऐसा क्यों है, एक व्यक्ति जो है बहुत आत्मविश्वास से काम करता है, दूसरा व्यक्ति आत्मविश्वास पूरा गमा के भी बैठा हुआ है, या दूसरा व्यक्ति एकदम भयभीत क्यों है, एक व्यक्ति बहुत ही धार्मिक है, बहुत रिलीजियस है, भगवान को मानता है, और ऐसा सब होने के बावजूद भी उसे बहुत सफ़र करना पड़ता है, और दूसरा व्यक्ति निधर्मी है, भगवान को मानता नहीं है, ऐसा भी होने के बावजूद भी वो बहुत सफलता हासिल करता है, एक बहुत टेंशन में रहता है, थोड़ा थोड़ा टेंशन जो है वो टेंशन से रहता है, एक दूसरा व्यक्ति टेंशन में क्यों नहीं, एकदम रिलैक्स क्यों रहता है, एक जो व्यक्ति है कि उसका सब घर में अच्छा है, उससे पत्नी से पटेंगी, बच्चे अच्छे रहेंगे, वो बड़े होंगे, वो अच्छा एजुकेशन लेंगे, और दूसरा जो व्यक्ति है कि वो उसका घर में किसी से पट्टा नहीं है, एक शादी टूट गई, दूसरी शादी टूट गई, बच्चों से जमता नहीं है, ऐसा क्यों है, काफ़ी सारे ऐसे सवाल आपको दिमाग में आएंगे कि भाई ऐसा क्यों होता क्यों है ये, और फिर आपको समझेगा कि भाई कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का खेल है ये चेतन मन और अवचेतन मन का ये पूरा खेल है। आपका अवचेतन मन जो है वो पूरा कंट्रोल कर रहा है। जैसा मैं हरदम एग्जाम्पल देता हूँ कि घोड़सवार है और घोड़ा है, घोड़सवार जो है वो 10% है और घोड़ा जो है वो 90% है, अवचेतन मन ये घोड़ा है और घोड़े के पास में सबसे ज़्यादा ताकत है, बहुत ज़्यादा ताकत 90% घोड़े के पास में है, घोड़ा जो है वो रेस का घोड़ा है और घोड़सवार जो है जॉकी वो तो 10% ही है उसके पास ताकत, मगर जॉकी के पास में बुद्धि है, दिमाग है, और वो दिमाग से वो 90% घोड़े को कंट्रोल कर सकता है। तो यदि हम देखें कि हमारे अवचेतन मन में क्या घुस के बैठा हुआ है, कौन सी आस्थाएं हैं, कौन से बिलीव्स है, कौन से विश्वास है अवचेतन मन में, उसका प्रोग्रामिंग कैसे हुआ है, वो यदि हम सोचते हैं, उसको खोलते हैं अवचेतन मन को, और खोलने से उसमें अंदर अलग 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 रीप्रोग्रामिंग उसका करते हैं अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से, वो हिप्नोसिस से बोलो, हिप्नोटिज्म से बोलो, या सेल्फ सजेशन से बोलो, या पॉजिटिव अफर्मेशन से बोलो, मेडिटेशन से बोलो, जो भी है वो अवचेतन मन का रीप्रोग्रामिंग हम करते हैं तो बहुत बड़ी सफलता और जैसा आप चाहते हो वैसा आपको मिल सकता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि भाई एक जो है वो शराबी है, दूसरा शराबी नहीं है, वो हाथ भी लगाता नहीं शराबी को, ये शराबी कैसा बन गया, आपको समझते नहीं कि ऐसा हो रहा क्यों है, और उसका सबका जवाब आपको ये इसमें मिल जाएगा कि अवचेतन मन जो है सबकॉन्शियस माइंड उसका स्टडी करो। आप सबकॉन्शियस माइंड का स्टडी करेंगे आपको समझ में आएगा, मेरे काफ़ी सारे वीडियो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में डाले हुए कि रीप्रोग्राम कैसे करेंगे सबकॉन्शियस माइंड को, और रीप्रोग्रामिंग अलग अलग तरीके से कैसे करना, जिससे कि रीप्रोग्रामिंग होने के बाद में अवचेतन मन की ताकत जो वो बाहर आ जाएंगी और आप जीवन में जैसा चाहोगे वैसा जी सकेंगे और आपको सब कुछ संभव है ये दिखना चालू हो जाएगा। तो आप जरूर, ये जो हमारे प्रोग्राम होते रहते हैं जिसमें हिप्नोटिज्म के बारे में बताते रहता हूँ मैं, सेल्फ सजेशंस है, मेडिटेशन है, इसके जरिए रीप्रोग्रामिंग योर माइंड या रीप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड, उसको रीप्रोग्राम करो, सजेशंस दो और एक अच्छा जीवन, सफल जीवन आप जियो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर सीइंग एंड लाइकिंग एंड शेयरिंग द वीडियो, थैंक यू।